मोतिहारी के पिपरा में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ दो युवक गिरफ्तार। आज पिपरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग अपराध की योजना बना रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पिपरा पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच करते हुए पिपरा थाना क्षेत्र के बकरी बाजार के समीप से एक मोटरसाइकिल सवार दो युवक सुमित कुमार और चंदन कुमार दोनों थाना मुफस्सिल को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक युवक सुमित कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक डाइगर, चाकू और एक मोबाइल बरामद किया गया है। इस संबंध में पिपरा थाने में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 16/10/24 को समय करीब 2:35 बजे थाना को गुप्त सूचना मिली कि दो लड़के जो हैं अपराध करने के योजना से पिस्टल और चाकू लेकर जो है घूम रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन करते हुए रात्रि गश्ती में पेट्रोलिंग पार्टी के साथ अपर थानाध्यक्ष सीता केवट पिपरा थाना एवं धर्मवीर चौधरी पिपरा थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और दोनों युवक को देसी कट्टा, गोली, चाकू, मोबाइल के साथ एक मोटरसाइकिल पर सवार थे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बाद ये जो लड़का एक है उन गिरफ्तार अभी में सुमित कुमार पिता चंदन ठाकुर साकिन पतौरा मठिया, दूसरे हैं चंदन कुमार पिता कपिल देव पासवान पतौरा मठिया थाना मुफस्सिल के रहने वाले हैं दोनों। बरामद सामान में देसी कट्टा एक, 8 mm का जिंदा कारतूस एक, चाकू एक। छापामारी दल में पुवनी सीता केवट अपर थानाध्यक्ष पिपरा थाना, पुवनी धर्मवीर चौधरी पिपरा थाना, सिपाही 838 प्रदीप राज एवं सिपाही 472 प्रिंस कुमार मौजूद थे। पकड़े गए अपराधी में एक सुमित कुमार हैं जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है, जो कि 489/23 मुफस्सिल थाना कांड संख्या मारपीट का केस है एवं उसके साथ साथ 25 1B/26 35 37 आर्म सेट का केस है, जिसमें पूर्व से भी ये जेल जा चुके हैं और इनके विरुद्ध जो है थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर इन लोगों को माननीय न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जा रहा है। हाँ, अपराध की ही योजना था, अपराध की योजना था, ये सूचना प्राप्त हुई थी, इसी सूचना पर जो है थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया या इनके पास से ये सामान की बरामदगी की गई।